सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। फिल्म अभिनेता सनी देओल की राजनीति में एंट्री हो गई है। दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में सनी देओल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस मौके पर सनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जरूर, जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। हाल ही में सनी देओल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सनी देओल भी कमल थाम सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।